हेलो एवरीवन, राम राम जी सबको। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना कवर करेंगे कि जब स्नो स्टार्ट होती है, जब विंटर स्टार्ट होती है कनाडा में, तो हाउ वी कैन प्रिपेयर आवर सेल्फ एंड कैसे हम अपनी गाड़ी का ध्यान रख सकते हैं कि वो स्नो में ठीक रहे, कैसे हम अपने घर का ध्यान रख सकते हैं रूल रेगुलेशन के हिसाब से, जो चीज़ें हमें ज़रूरी होती है करनी, और कैसे सर्वाइव करा जा सकता है बिकॉज ठंड इतनी बढ़िया होती है कि क्या ही बताएं। राइट नाउ इट्स -5 और मे बी -7, बट फील्स लाइक बिकॉज ऑफ द विंड इट्स फील्स लाइक -15 degrees बिकॉज हवा बहुत तेज चल रही है और इस वीकेंड पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, तो स्नो कैन बी देयर अप टू लाइक 15 to 25 centimeters विद हैवी विंड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे कि खुद का ध्यान कैसे रखना है। सबसे ज़रूरी ये चीज़ है, क्योंकि गाड़ी ठीक है, घर ठीक है, ड्राइववे ठीक है, साइड वॉक ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप खुद ठीक नहीं हो, क्योंकि आप खुद ठीक हो तो बाकी सारी चीज़ों को ठीक रख पाओगे। तो इतनी ठंड में सबसे पहले ज़रूरी है अपने एसेंशियल पार्ट्स को बचाना। टोपी पहनो भाई, मैं खुद नहीं पसंद करता पहनना, मेरे बहुत खुजली होती है, मेरे कान में दर्द हो जाता है, पर ज़रूरी है क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट हो जाती है, और अगर आपके कानों पे और होठों वगैरह पे फ्रॉस्ट बाइट होगी ना, कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई, कुछ नहीं कर पाओगे, बुरा हाल हो जाएगा। फ्रॉस्ट बाइट मेरे हाथों पे हो चुकी है तो आई कैन फील कि कैसा होता है। उसके बाद एक बढ़िया सी जैकेट लो। ये जैकेट नॉर्मल है, होलिस्टर से ली है, नॉर्मल इन द सेंस देखने में नॉर्मल है, वैसे बहुत बहुत हैवी है ये जैकेट। ये देखो इस पर फर वगैरह लगी हुई है, तो ये जो मतलब लेदर की हो रही है प्रॉपर, तो हवा भी रोकती है और गर्म भी रखती है शरीर को। और उसके बाद जैकेट होगी, जैकेट के बाद आप स्नो जैकेट भी ले सकते हो वॉलमार्ट या कैनेडियन टायर से, जो आपको $100 या $60-70 के भी आसपास मिल जाएगी। और उसके बाद आता है हाथों का। मैं स्पेशली ग्लव्स अपनी गाड़ी में हमेशा रखता हूँ, क्योंकि मेरे फ्रॉस्ट वाइट हो चुके, तो मेरे हाथ थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं ठंड को लेके, तो ग्लव्स हमेशा रखो बढ़िया क्वालिटी के। और ग्लव्स के बाद अच्छे से पजामा वगैरह पहन के रखो, पैंट पहन के रखो, लेग्स के लिए अंदर थर्मल इनर पहन के रखो। उसके बाद आती है सॉक्स की बारी। सॉक्स मोटी वाली लो सर्दियों के लिए, ऊपर तक की लो, सिर्फ एंकल मत लो, क्योंकि पूरा पैर गर्म रखेंगे आपका। और उसके बाद सॉक्स के बाद सब नंबर आता है स्नो शूज़ का। स्नो शूज़, तो ये स्नो शूज़ लिए मैंने वॉलमार्ट से, इनकी नीचे के देखो ये पूरा बढ़िया ग्रिप है, और ऊपर से ये वाटरप्रूफ है, और अंदर से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो फर वगैरह लगी हुई है बिल्कुल अंदर तक, तो ये अंदर से भी पूरे गर्म रहते हैं। और ये एंटी स्लिप है तो आपको फिसलने से भी बचाते हैं। तो ये अगर स्नो शूज़ की बात करी जाए, वैसे तो आप कितने के ले लो, पर अगर आप नॉर्मल की बात करो तो $40-50 के आपको वॉलमार्ट से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल ऊपर नी लेंथ तक के ले लेते हैं, वो शायद आपको $170-180 में मिलेंगे, पर उनका एक डिमेरिट ये है कि वो आपके ऊपर तक पैर गर्म तो कर देते हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे हो अंदर तो आपको उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि वरना आपके पैरों में सारा दिन पसीना आता रहेगा। तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए बढ़िया रहते हैं जो बाहर ज़्यादा काम करते हैं, जिनको पैदल ज़्यादा चलना पड़ता है, और वो काम पर जाके दूसरे बदल सकते हैं। तो अपनी पर्सनल केयर में ये चीज़ें होंगी, प्लस इसके अलावा आप ध्यान रखो कि अपने साथ हमेशा एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र रखो, क्योंकि हाथ बहुत फटते हैं यहाँ पे, तो अपनी स्किन को बार बार मॉइस्चराइज़ कर सको आप। मेरी जो आवाज़ है वो अभी इतनी इसलिए कांप रही है भाई, ठंड लग रही है, -15 degree टेम्परेचर हो चुका है। तो इसके बाद बात करते हैं हाउ वी टेक केयर ऑफ द हाउस एंड व्हाट वी नीड टू डू। नंबर आता है कि हमें अपने, अगर आपके पास घर है तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें आपकी रेगुलेशन में आती हैं, रेगुलेशन में इन द सेंस कि क्या चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आपको करनी चाहिए, अगर आप नहीं करते और उसकी वजह से कोई इंजर्ड हो जाता है तो आपको वो बंदा सू कर सकता है। तो पहली चीज़, अपना ड्राइववे साफ करो। हालांकि ड्राइववे साफ करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ड्राइववे साफ करोगे तो आपकी गाड़ी ठीक से खड़ी रहेगी, आप फिसल के नहीं गिरोगे। लेकिन अगर ड्राइववे साफ नहीं करोगे तो स्नो जमती जाएगी जमती जाएगी। अभी तो देखो बिल्कुल साफ़ है ये नीचे से, लेकिन अगर इसको हम साफ ना करें तो ये ऐसा रहेगा,
ये पड़ोसियों ने साफ़ नहीं करा है, इन्होंने अपनी गाड़ी साफ़ नहीं करी है, तो इनकी गाड़ी ऐसी भरी रहेगी। और देखी जाए अगर गाड़ी पे से बर्फ़ हटा हुए कहाँ जाएगी, ड्राइववे पे आएगी तो वो सारी आइस बन जाएगी, आइस बन के फिसले गिरेगा कौन, आप खुद, क्योंकि तो गाड़ी से निकले घर तक तो जाना ही है ना मेरे भाई। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करते हैं कि जैसे ये पड़ोसी हो तो कि आप और अपनी प्रॉपर्टी आ गई है तो हमने अपनी प्रॉपर्टी तक का इधर का साफ़ कर दिया है, और ये हमने एक रास्ता बना दिया है क्योंकि उधर गैराज का डोर है, आई विल शो यू। तो ये जो गैराज का डोर है इस तक हम जा सकें तो यहाँ पे जो आइस ना बने इसलिए हमने यहाँ पे साफ़ कर दिया और सॉल्ट डाल दिया है। ये बैकयार्ड का रास्ता है तो ये जो सॉल्ट हमने डाल दिया है तो ये सॉल्ट डालने की वजह से अब ये देखो कितना साफ़ रास्ता हो गया है, और पड़ोसियों ने कुछ नहीं करा है, उनका बैकयार्ड देखो कैसा है। तो ये डिफरेंस है साफ़ करने और ना करने में। तो आपको पहले क्या करना पड़ता है, शवल से स्नो हटानी पड़ती है। अगर आपके पास शवल नहीं है तो आप शवल लाओ वॉलमार्ट या कॉस्को से या कैनेडियन टायर से कहीं से भी, और उससे भी अगर बढ़िया ऑप्शन आपको यूज़ करना है कि आपकी मेहनत ना हो, शवल क्या एक तरीके से अगर देसी भाषा में बात करें तो खुरपा सा, मैं दिखा फोटो ऐड कर दूंगा इसके बाद। तो अगर पैसे ज़्यादा लगा सकते हो, $1,000-1,500 इन्वेस्ट कर सकते हो तो लेके आओ मशीन। वो मशीन ऐसी होती है कि वो नीचे से स्नो काटती जाती है और साइड में उसके ऊपर एक वो लगा होता है पंप सा, उसकी भी फोटो मैं इसके साथ। तो वो पंप फेंक देता है तो आपको फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपका तेल लगता है क्योंकि वो तेल से जलती है भाई। तो अब हम दिखाते हैं आपको कि ड्राइववे साफ करा है हमने, कैसे करा है बिफोर एंड आफ्टर। So just because the video is getting extra lengthy, so the rest of the video is going to be on next week. So till then, stay tuned, stay safe, stay healthy. See you guys next week.